का भंडारा भी नहीं बैठेगा, आपके लिए सब कुछ परोस दिया जाएगा। खुद से जहन जी कीजिए, जी खुद से खोजिए, मिलेगा उत्तर अपने आप। नहीं करना है आप तो फिर कुछ यही आ, करते रहिए। आ, आ, आप मुझे समझाइए ना। मैं तो ध्यान कर रहा हूं, मैंने तो ध्यान किया मगर मुझे हाँ समझ तो ही बस कोई नहीं आ आपको रहा। कुछ नहीं करना है, भगवत गीता में साफ बोला गया है, बस और बस आदमी को अपने दोनों अपने जो इंद्रिय हैं सभी को अपने मस्तिष्क के बीच में ध्यान करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के ऊपर ध्यान दे कि किस तरीके से वो आदमी सांस ले रहा है, वही मुक्ति का द्वार है, उसी से ही आदमी को मुक्ति मिल सकता है। एक तो 8 तरीके के द्वार होते हैं, आपकी जो इच्छा उसको चुनिए, थोड़ी ना है कि सबके लिए एक ही तरीके से। भैया ये कोई रोबोट है क्या आदमी, कि नहीं ये तुम ऐसे ही करेगा तभी तुमको मुक्ति मिलेगा। अरे यार तुम ऐसे भगवान को नकार देंगे। मेरा इच्छा मेरा जीवन है, हम जैसे चाहे वैसे जीना चाहते हैं, किसी के कहने पे नहीं, हम खुद अपने भगवान को खोजेंगे, कोई दूसरा मेरे भगवान को नहीं खोज के देगा। अगर दूसरा खोज के दे देगा तो फिर हम क्या करने के लिए आए हैं? आप अपने यानी खुद से इसका खोजिए भगवान को। इसका मतलब ये है कि जो मीडिया पर बैठ के तकरीरें करके घर वापसी कर लो, आपको ये फायदे मिलेंगे, ऐसे कर लो, आपको फलाना नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ये सब मूर्खता की बात है, ऐसा ही है। सबका अपना इच्छा, जो वो समझना चाहते समझे। पर थोड़ी ना ऐसा है कि यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही कर रहे हैं, दोनों पक्ष से तो वैसे ही तरीके का होता है ना भाई। नहीं, मैं तो सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सारे गलत हो गए ना। नहीं क्यों गलत है, किसने बोल दिया गलत है? अरे भाई मुसलमानों का धर्म है कि ठीक है, काफिरों, अरे मैं तो बोलता हूँ कि ठीक है, मुसलमान अभी के मुसलमान है ही नहीं, उनका जो हक है उनका धर्म है कि वो काफिरों का कत्ल करें, वो करते ही नहीं है, वो ऐसे नहीं, मुसलमान कैसे रह गए जो मैं काफिरों ये के जान साथ रह रहे हैं? वे तो मैं भी ये जानना चाह रहा हूं कि वेदों में जो लिखा हुआ है सनातन धर्म, तो उस पर अमल करना शुरू हो गया 2014 के बाद। ये तो काटना, मारना, पीटना, गौ रक्षा वो के नहीं चक्कर में बिल्कुल गोली नहीं, मार बिल्कुल देना, ये तो सारा शुरू हो गौ गया रक्षा में तो है? गौ हमारी रक्षा है। ये तो भगवत गीता, ये तो भगवत गीता के ऊपर जो है, ओहो, शोर आना शुरू हो गया अब आपके पास से। मुझे लगता है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है फौरन। ठीक है, हाँ जरा, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरी को आ रही है। हाँ, ये तो फौरन ही अब यदा यदा ही धर्मस्य हो चुका हुआ है। सारे कहते हैं हम श्री कृष्णा के अवतार आ गए हैं, विष्णु जी के, लपेट दो नहीं कोई नहीं इनको। बोलता है, हाँ, कोई नहीं जे बोलता है। पिया पाम आदि पुरुष, हाँ जी, गाड़ दो शत्रु के सीने, हृदय के अंदर भगवा ध्वज, पच ये कहाँ पट पे लिखा पट हुआ है भगवत गीता में? है ये यार। कहाँ लिखा मूवी हुआ दिखा भगवत रहे हैं, गीता में? मुझे तो ऐसा, मुझे ऐसे लग रहा है आर्यव्रत वापस आ चुका हुआ है। मैं इसलिए तो एक्साइटेड हूं कि सनातन धर्म स्वीकार कर लूं फटाफट, इससे पहले कि हनुमान जी आ जाएं। तो करिए ना सर, मना कौन कर रहा है? आप खुद कह रहे हैं रहे मुसलमान में कोई बत नहीं, अच्छा कर्म करें, मगर आप तो गिनती के अंदर 3 में ना 13 में, आपकी तो हैसियत ही कोई नहीं है इधर। इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग कह रहे हैं मार काट देंगे, ये कर देंगे, वो, मैं डरा हुआ भाई, मुझे सांस लेना मत दो डरिए बेटा, मुझे सर, मत मुश्किल हो गई डरिए, है। अल्लाह हैं? पे विश्वास रखिए, अल्लाह पे विश्वास रखिए, बहुत डरने की अच्छे, कोई आवश्यकता बहुत नहीं अच्छे, है। वो बहुत ठीक है, मैं विश्वास तो रखूंगा, आप कब विश्वास मुझे दिलाएंगे? मुझे अपने हमसाये के ऊपर भी तो विश्वास होना चाहिए ना। मैं तो ट्रेन क्या में जा रहा चाहते होता हैं हूँ आप? तो मुझे अल्लाह पे ही विश्वास होता है, मगर आगे से चेतन सिंह आके जय एस आर मोदी योगी बोल के गोली मार, मैं उधर क्या करूँ? सवाल तो ये है। वैसे अच्छा, वैसे मैं तो टिक्का सर, लगा लूँ? अगर नहीं, अच्छा अब एक चीज, अच्छा मैं एक बात, भी बता आदि देता हूँ, भाई, तो थोड़ी आदि भाई, बातें। आदि भाई, आदि भाई, अगर मैं टिक्का और जो है रुद्राक्ष है वो पहन लूँ तो मैं बच जाऊंगा? नहीं बिल्कुल नहीं, जब आप बुरे कर्म करोगे तो, अरे भैया कौन लिखा हुआ है कि हिंदू है तो बचिए जाएगा, जो बुरा कर्म नहीं करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा। नहीं मैं मारकाट जब शुरू होगी मुसलमानों की, उस वक्त की क्यों बात होगी? कर रहा कुछ नहीं होने हूं। वाला है, वो आप फैला रहे हो। मैं कहां पे, वो खुद कह रहे हैं, कहते हैं काट पाकिस्तान में देंगे, तो सीधे हिंदुओं हो को जाओ, सारों ने मार दिया है, थोड़ी ना भैया कोई गया है इंडिया से कि भैया हम ओहो, हमला कर देंगे, ऐसी बात कर रहे हैं ना जनाब आप ओहो, भी। यानी इसका मतलब यह है कि आप भी पाकिस्तान की टेक्निक लगा रहे हो, उधर मारकाट शुरू करने वाले हो। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम, अरे पाकिस्तान अगर हम रहते तो हम बर्बाद हो गए होते, साले इतने बड़े नहीं कंजर लोग हैं, नहीं मुस्लिम उधर, के नाम पे लिए तो पाकिस्तान, साले आज तक हाँ शरिया लॉ नहीं वहां पे लगा पाए, इतने बड़े हाँ हाँ बेवकूफ मतलब लोग मैं, निकल गए। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मतलब मैं तो चले ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दें। उन्होंने तो बेड़ा गर्क अरे कर दिया, सभी को एक साथ पाकिस्तानियों ने लेके तो चले दबा हैं, कर दिया, वो तो भीख मंगी है ना, मूर्ख उनके है, पास तो मूर्ख आटा है, भी कोई मूर्ख है, नहीं। महामूर्ख है, ना बिल्कुल मुस्लिम बन बिल्कुल सके ना कुछ भी जी कर जी सके, जी खत्म कौम है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या करना है अब 2014 के बाद, ये इनका क्या प्लान है, उस पर भी तो बात वहां करें ना। कसम लिख के दे रहा हूँ, सिर्फ मोदी भोले के रूप में आए हुए इंसान है, एकदम खतरनाक आदमी है भाई, सबको एक साथ लेके चलेंगे,
पूरा अंग्रेजों को तो ऐसा लाइन लगाएंगे ना भैया, सबसे पहले तो उनका खटिया खड़ा करना है। अंग्रेजों का जितना साले कौन से बोलते अंग्रेज, दाढ़ी 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 वाले अंग्रेज, अंग्रेज, टोपी वाले कौन? नहीं, अंग्रेज अंग्रेज मतलब इंग्लिश पीपल, हाँ अंग्रेज जो जो इंडियन लोग जो आर नॉट अलाउड। वही वही उन्हीं अंग्रेज की बात कर रहे हैं जो मस्जिद में जा रहे होते हैं टोपी दाढ़ी रख अरे के। यार वो क्यों मस्जिद और वो सब चीज देखना है, वो तो आप तो आप तो देखना कह रहे हैं चाहते हो, वो अंग्रेज की आपका लगा के लेंस रख है। देगा, तो मैं तो यही देख रहा हूँ वो जिनकी लगा रहा है उनको अगर आप अंग्रेज कह रहे हैं तो आपकी नजर में शायद अंग्रेज का गुस्सा वो इस किन पर की लगा निकाल रहा रहे है हैं। बता दो आप मेरे को, मेरे तो नहीं समझ पाया, आप बता दो। पता नहीं आप ही बता रहे हैं, वो जो गोली मारता है तो वो मैं तो कहता है बता रहा मोदी हूँ, तो योगी अपनी को ही बात पे वोट जो देना है, बैठे उसके हो अलावा यार, आप वोट नहीं अपनी देना बात, किसी को। बिल्कुल बीजेपी को वोट देना है भाई, मोदी आएंगे। ठीक है, वैसे वेरी गुड। ठीक है आदि भाई, देखते हैं देखते हैं। ठीक है ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, देखते हैं। ये है जी हकीकत पीसफुल रिलीजन की, ठीक है ना जी, बल्कि पीसफुल रिलीजन, मैं नहीं कह रहा। ओहो देखें फिर ये भड़केंगे, ये कहेंगे देखो मुसलमान ने ये बात कर दी, फलाने ने कर दी। भाई देखें मैं नहीं कह रहा, कमबख्त मैं कहता कब हूं। हेलो जी ऐसा सुन लो जरा, You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sect system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharat? So Mahabharat happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. जी जनाब, मैंने नहीं ये कुछ भी ऐसी बात कही। मुझ पे अगर किसी भाई को गुस्सा हो तो भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज मुझ पे ना अपना मेरी मेहरबानी भाई, मुझ पे ना बुरा भला कहना भाई, बिल्कुल ना कहना, बिल्कुल ना कहना। जाग दे रहना मेरे ते ना रहना, होशियार बाश जनाब। हमारे साथ कौन से भाई आए हैं, क्या नाम है इनका जी? विशाल वोरा भाई। जी विशाल वोरा भाई जी नमस्कार, कैसे हैं भाई? ठीक है ठीक जी हूँ, जी ठीक हूँ आदाब। सर। विशाल भाई कैसे हैं आप? ठीक है हाँ ठीक हूँ, जय श्री राम। जी जी जे पी अपाम ठीक जी है, वो भाई। आप कुछ भी बोलो, हम ही आगे हैं, वो आपको भी पता है। हाँ आप बिल्कुल आ गए हैं, आप सनातनी हैं भाई? हाँ आप तो पिछली बार बोल गए थे मैं नास्तिक हूँ भाई। नहीं, वो मैं ऐसे चेक करने के लिए कि आप नास्तिक से बात करोगे, पर मैं सनातनी ही था वैसा। आप सनातनी हैं तो ठीक है, चले अगली बार आइएगा जब आप मजीद, एक बार नास्तिक में आपको हमने साइड पर कर दिया, एक बार आस्तिक में। ठीक है विशाल बोड़ा भाई, नेक्स्ट टाइम आप आइएगा तो आकर कहिएगा मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, अब मुझे ले लीजिए, मैं टीटो पार्टी और डेढ़ शाणा बन रहा था, आपने मेरी टुई पर ठुडा मारकर बाहर फेंक दिया, अब मैं अपनी जो टटी सी ऑडी है उसके अंदर बैठकर शाणपति कर रहा हूं। ठीक है भाग यहां से, डेढ़ शाणा, पिछली बार ऐसे था तो पिछली बार वैसे था, चल डेढ़ शाणा चेक कर रहा था तो मैक कर रहा था बेटा, ऐसा चेक तुझे पकड़ाऊंगा ना मैं गोल करके, तूने शोर डाल देना है, चेकमेट चेकमेट, ऐसा चेक मैंने तुझे पकड़ाना है, तेरा चेकमेट कर दूंगा मैं।
आज जितनी शांति के साथ मैं बात करना चाह रहा था उतने ही डेढ़ क्षण मेरे सामने आ रहे हैं, हैं? उतना ही मुझे तंग किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उतना ही मुझे क्रोधित किया जा रहा है, उतना ही यम यम नियम यम यमी किया जा रहा है। धर्म का एक लक्षण यम यम भी है ना जी, तो यम यम की जगह यब यब उतना ही किया जा रहा है। इंसान बनो इंसान। तो जी आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ तो माशाल्लाह बड़ी तादाद के अंदर सनातनी दो यार मुसलमान स्टेज छोड़ जाए मेरा भाई, साथ साथ मुसलमान जो है स्टेज छोड़ दिया करें, ठीक है ना जी। एक और भाई मुझे नजर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन का टोकरा भाई कभी और लेके आइएगा, आज ना लाइए। हमारे साथ पिनाक भाई भी हैं, चूंकि पिनाक भाई भी मेरी तरह खोज कर रहे हैं तो उनको भी ले लेते हैं। ओम हमारे साथ आए हैं, तो ओम भाई और पिनाक भाई को दोनों एक साथ समय को बचाते हुए मैं वेलकम कर लेता हूँ। जी भाइयों कैसे? नमस्ते सर। आदाब जी, आदाब आदाब, वेलकम वेलकम जी भाई। ओम जी कैसे हैं जी? ओम जी, ओम भाई चले जब ये आते हैं तो इनको ले लेंगे। हैं जी पिनाक भाई आप बात कर लें। पिनाक भाई अभी तक जो बात आप सुन पाए हैं उस पर आपको चर्चा करना चाहें तो जरूर करें, फिर हम किसी धनी ज्ञानी पंडित जी को ले लेंगे। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप उधर दयानंद की अंतिम नमाज पढ़ते रहिए सना आर्य समाज की, हम तो सर इधर सनातनियों की अंतिम समाज पढ़ने वाले, अंतिम नमाज। अच्छा हम सीधा मेन पॉइंट पकड़ेंगे सर, सीधा सनातन की अंतिम नमाज पढ़ेंगे। अब ये जो पहले जो आया था सर वीर शैव वाला, सर उससे आपने पहले ये पूछना था कि 5 साल पहले ये इन्होंने खुद को हिंदू धर्म से अलग करने की डिमांड क्यों रखी है, क्या आपको पता है सर ये बात? ये आपको घर वापसी की बात कर रहे हैं या आपकी घर वापसी की बात कर रहे हैं, खुद घर से भगने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? सबसे मेन बात, और दूसरी बात, इन्होंने बड़े जोर शोर से वो कौन वसीम रिजवी, उसकी इन्होंने घर वापसी की थी, आज उसकी हालत ऐसी हो गई ना वो घर का रह गया ना घाट का रह गया, ना उसको मुसलमान स्वीकार कर रहे, और हिंदू तो बोलते हैं कि इसको कौन से जात में डालेंगे। फिर एक लफड़ा ऐसा हो गया कि वो जो टकला है नरसिम्हानंद सरस्वती, उसने उसको जनेऊ पहना दिया। अब जनेऊ संस्कार तो ऐसा है सर कि वो तो 85% हिंदुओं को भी अधिकार नहीं है जनेऊ पहनने का, तो उस रिजवी को उन्होंने किस हिसाब से जनेऊ पहना दिया? वो असल में मूत्र करने के समय कान पे लपेटा जा रहा था तो किसी ने चुरा लिया। क्या है सर ये सनातनी गोबर खाके और मूत पी के इतने पगला गए हैं कि इनको खुद ही समझ भी नहीं आता कि हम बात क्या कर रहे हैं इनके साथ। कभी बोलते हैं मूर्ति पूजा करेंगे, कभी बोलते हैं कि हम सनातन को मानेंगे, फिर मूर्ति पूजा भी करेंगे नहीं भी करेंगे, सब सर इनकी जिलेबी की दुकान बन चुकी है इनका धर्म। और अब सनातन की अंतिम नमाज पढ़ने का वक्त आ गया है। देखिये मैं पिनाक भाई, देखिये सिंपल बात यह है, मैं अभी सनातनी दोस्तों को कुछ लेने लगा हूं, थोड़ा सा आपको भी रिलैक्स करते हैं और बात करते हैं। मैं इस चीज पे हैरान हूं यार कि भाई एक बंदा है वो सनातन धर्म को स्वीकार करने की बात कर रहा है, आप लोग 180 डिग्री के एंगल से एक डिफरेंस दिखा रहे हो, यानी एक जा रहा है जो है ना पश्चिम की तरफ और एक जा रहा है उत्तर की तरफ, ठीक है? यानी आप बहुत बड़ा जी उसमें सर बहुत बड़ा लफड़ा है ना सर, आपकी घर वापसी के लिए आपको 4 जन्म लेने पड़ेंगे ना सर। अगर आप सनातन धर्म में अगर आएंगे तो सबसे पहले तो सर आपको वहां पैदा होना पड़ेगा, सनातन धर्म कोई ले नहीं सकता, उसमें पैदा होना पड़ता है। उसके बाद सबसे पहले आपको धर्म जन्म मिलेगा शूद्र का, उसके बाद आप कुछ पुण्य कमाओगे तो फिर दूसरा जन्म मिलेगा आपको वैश्य का, उसके बाद आप कुछ पुण्य कमाओगे तो वो जन्म मिलेगा क्षत्रिय का, और सबसे आखिरी जो जन्म रहेगा जो आप ब्राह्मण बनोगे तो उस वक्त आपके सारे पाप धुल जाएंगे। वही ये मैं नहीं कर रहा, ये गीता कह रही है।
ठीक है, क्योंकि अच्छा ठीक है, यानी एक जन्म बीच में जो है वो वैश्य का भी यानी ये देते हैं वैश्य, बोनस। वैश्य नहीं सर, प्रोस्टिट्यूट नहीं, वैश्य। अच्छा वैश्य जो वर्ण है, धंधा का। अच्छा प्रोस्टिट्यूट, अच्छा समझ गए यार, मैं सब समझ, सर मैं सब समझता हूँ, ये बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, नहीं तो बीच में आप प्रोस्टिट्यूट बन जाओगे। तो वही मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि इसका मतलब है ये जितने एक्स मुस्लिम्स हैं ये फिर इसी जन्म के अंदर वैश्य का जो रोल कर रहे हैं ना, ये बस यस यस ये वैश्य 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 बनेंगे पहले। अब सर आप क्या कर रहे हैं सर, आप जो स्टडी कर रहे हैं इनकी वाली, तो सर इनकी जो स्टडी आप कर रहे हैं इनके वेद खोज रहे हो, लेकिन इनकी स्टडी आप वेदों में मत खोजिए, इनके लिए आपको पेरियार पढ़िए। जब आप पेरियार पढ़ोगे, पेरियार तो सीधा बोलता था सच्ची रामायण नाम की उसने किताब लिखी है जिसका सुप्रीम कोर्ट से जीत के लाया है वो, उसमें वो सीधा बोलता है राम गुंडा था और सीता वेश्या थी। हुई हुई हुई। सी? हाँ जी, और सुप्रीम कोर्ट में उसको अलाउ है वो किताब, आज भी इंडिया में मिलती है, हम अच्छे से पढ़ लेते हैं उसको, और सीधा बोलता है कि ये जो लव कुश ये रावण की औलाद थी करके राम ने सीता को वनवास भेजा। ये इटरनल, एक मिनट एक पिनाक भाई, आपने चूंकि बहुत हैवी किस्म की बात कर दिया तो मैं चाहता हूँ इटरनल सनातन जो है इसको जरूर हम रखें कि वो अपना पक्ष दे सके, ठीक है ना पिनाक भाई, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? हेलो जी, जी जी इटरनल सनातन भाई जी, क्या हाल अमीर भाई? मैं ठीक हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसी कोई किताब मिल रही है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि राम गुंडा था और सीता जो है वो वैश्या थी? तौबा, पिनाक भाई से बात करनी है आज। जी जी करिए, मगर कन्विंस कीजिए, उनका कुछ प्रश्न है। ये जो जिसका नाम ले रहे हैं पेरियार का, वो कम्युनिस्ट टाइप का है मतलब बंदा, और वो एथिस्ट भी उसको लगते हैं किस कैटेगरी में, तो वो उस टाइप का, उसकी कुछ भी मतलब बुक छप रही है कहीं छपती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब। ठीक हो गया। अच्छा मुझे पिनाक भाई से भी पूछना था, पूछ लूं कुछ थोड़ा सा? नहीं नहीं, आप, मैं आपको बताता हूँ, जरूर पूछिएगा जब आपको पूछने का विषय हो, मगर अभी हम ये जानना चाह रहे हैं इटरनल सनातन भाई, आपको मैंने पहले भी लिया था, मैं ये जानना चाह रहा था कि यार वेदों को रिजेक्ट कर दिया जाए और वेदों को निकाल दिया जाए बीच में से, तो सनातन का शोर आ रहा है, जरा पिनाक भाई माइक म्यूट रखिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, थैंक यू। अच्छा इटरनल सनातन भाई, एक बंदा आया वो कहता है वेदों को रिजेक्ट करके भी मैं सनातन हूँ और मुझे कोई जरूरत नहीं है, यार ये इटरनल मैं कैसे कन्विंस होऊंगा ऐसे सनातन, तुम खुद कैसे हो? ईश्वर का ज्ञान एक तरफ मैं वेद को मानता हूँ, दूसरी तरफ मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, ये क्या है, ये ईश्वर के साथ मजाक है? आर यू कॉमेडिंग मी? ईश्वर तो यही कहता होगा। बोलो ना भाई। मैं बोलूं? हाँ ना, आपसे तो पूछ रहा हूँ, आप सनातन हो, आपसे पूछ रहा हूँ। वेद को तो मानते हैं भाई। नहीं वो आया था पहले, वो कह रहा है वेद को रिजेक्ट कर दो आप फिर भी सनातन हो, वेद की कोई वैल्यू ही नहीं है। वेद की वैल्यू सबसे ज्यादा है। हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना, देखो मैं सनातन धर्म आप लोगों से ही सीख रहा हूँ ना, मैंने मनुस्मृति देखी, वहां लिखा है कि धर्म का परम प्रमाण जो है वो वेद है, मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 11 और 12 साफ लिखा है। तो इसी तरीके से वेदों में खुद लिखा है कि वेद, चारों वेद रूप ही कल्याणकारी की है ईश्वर ने सृष्टि की, ठीक है, और इसी के अनुसार नियम के अनुसार आपने रहना है, ईश्वर का वो है। वो कहता है कि सनातन धर्म वेद की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे के सनातन धर्म फिर भी चल जाएगा, ये क्या बात? वो उसका ओपिनियन होगा, पर वेद तो जरूरी है यार। ये ओपिनियन तो दे लेते हैं, मगर इनमें इतनी डेरिंग कहां से आई कि ये ईश्वर की जो है ना वो उसके ज्ञान को रद्द कर रहे हैं, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है कि सनातन के बारे में ये क्या मिस इन्फॉर्मेशन आप फैला रहे हो? हमारी जुबानों को काटा जाता है, हमें रोका जाता है, हमारे चैनल को बैन करने की बात की जाती है, इनको क्यों नहीं रोकते? पकड़ तो नहीं सकते, पर मतलब क्या सजा क्या देंगे इसको, पर वैसे बोल सकते हैं कि गलत बोल रहे हैं। नहीं, देखें हर चीज की सजा सरतन से जुदा, फिर आके कहते सरतन से जुदा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इनको पकड़ के इनकी जुबानों पर ताले लगाए जाए, इनको फाइन किया जाए, इनको 1-2 दिन जेल में रखा जाए, थाने के अंदर इनको कहा जाए इंसान बनो, सनातन धर्म में मजाक है, अन्नी दया मजाक है, इनको ये बोला जाए ना। पर ऐसा कोई लो नहीं है? नहीं क्यों नहीं है, 295 है ना, पर वो मिस इन्फॉर्मेशन लगता नहीं इसमें, लगेगा कि रिलीजन की मिस इन्फॉर्मेशन, रिलीजन की ब्लास्फेमी के अकॉर्डिंग आएगा ना, चलो ज्यादा ना धारा लगे, को बी सी डी ई लग जाए,
पता नहीं भाई, वो तो ये बड़ी समस्या है। मैं अब सनातन धर्म स्वीकार करूं तो करूं किस बेस के ऊपर, मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे पिनाक से बात करनी थी थोड़ी सी। आप फिर इसका मतलब इंटरेस्टेड नहीं है मुझे कन्विंस करने के लिए? वो भी कर देंगे। चलें पिनाक भाई, आप चाह रहे हैं इनसे बात करना? ये खास आपके लिए आए हैं। हाँ, मैं वेट कर रहा था काफी टाइम। क्या बात कर जी? जी जी करिए जी। आप अंबेडकर साहब को मानते हो? अच्छा एक मिनट, अंबेडकर साहब के से पहले, अंबेडकर साहब चूंकि टॉपिक नहीं है मगर फिर भी थोड़ा पिनाक भाई डिस्कस करना चाहे। टॉपिक यही है सनातन। हाँ, एक मिनट, ये इटरनल सनातन क्या होता है? सनातन तो खुद इटरनल है, तो इटरनल सनातन क्या है? ये तो बस नाम रखा हुआ वैसे ही। नहीं तो सुन लो, तो से पहले सनातन पे विश्वास नहीं है जो साथ अंग्रेजी में इटरनल ठोकना पड़ा है? दोनों अच्छे लग रहे हैं। अच्छे जाला, बहुत अच्छी बात है। तकरार है ये, रेपिटेशन है यार। ये तो नाम रख लिया बस ऐसे ही, कोई नहीं, अभी यूजर नेम रख दिया। ठीक है, स्लैश डाल देना, इटरनल स्लैश सनातन ऐसे लिख लें। ठीक है, रुको करता हूँ, देखता हूँ होता है। हाँ, बीच में स्लैश डाल लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इटरनल सनातन ऐसे लगेगा के मीठी चीनी। ठीक है। हाँ नहीं, जी पिनाक भाई, ये कोई अंबेडकर साहब की बात करना चाह रहे हैं, हमारा विषय आज का नहीं है, मगर मैं देखता हूँ अगर ये सनातन भी करेंगे। बस मैं सिर्फ थोड़ा सा पूछ रहा था। ठीक है जी, मानते हो भाई अंबेडकर साहब को? मानना और जानना इसमें बहुत फर्क है। चलो नहीं, जानता हूँ तो पता है मुझे। नहीं, उनकी बातों को मानते हो या नहीं जो बोलते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, मानना और जानना में बहुत फर्क है। मैं मानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। कैसे जानते हो मतलब? ठीक है, कैसे जानते? अच्छा, आप उनको कैसे जानते? यार मैं तो उनकी जो उनकी बातें हैं वो पढ़ी हुई है मैंने, तो मैं वही पूछ रहा हूँ उनकी जो बातें हैं। ये चूंकि आउट ऑफ सब्जेक्ट, जा रहा है, तो मैं 3 मिनट दे रहा हूँ टॉप राइट के ऊपर, ताकि आपको ये ना हो कि मुझे बात स्ट्रेट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ठीक है, इन्होंने पिछली एक स्ट्रीम में बोला था कि बुद्धिज्म जो है ओल्डर है सनातन से भी, और वेदास ये बाद में बुद्धिज्म के बाद आए। तो इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि इनके जो अंबेडकर साहब है, उनकी बुक है एक बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है, उनमें उन्होंने पूरी बुद्ध की हिस्ट्री लिखी है, बुद्ध के स्क्रिप्चर्स है बुद्धिस्ट के। उन्होंने साफ दिखाया उसमें कि वेद बुद्ध से पहले एग्जिस्ट करते थे, और जितनी ये विचारधारा चार वाक और ये सब एग्जिस्ट करती थी उस टाइम। तो ये उसे मानते हैं नहीं उनको, या वो गलत बोल के गए? क्योंकि उन्होंने बुद्धिस्ट का रेफरेंस दिया। मैं दिखा सकता हूँ अभी, करो डिबंक, करो। अच्छा, मतलब डिबंक करोगे उनकी बात को? जी यस यस। हाँ ठीक है, मैं भी कुछ दिखाऊंगा। ओके, करो डिबंक। बात ऐसा है कि जब उनका टाइम जो था, यानी आज से 50 साल पहले जब उन्होंने किताब लिखे थे, तो साइंस इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, हिस्टोरिकल एविडेंस वगैरह उस वक्त नहीं थे, तो उन्होंने आपकी किताबों का सहारा लेके वो जो किताब नहीं मेरी, हमारी नहीं, ये मत बोलिए हमारी नहीं, उन्होंने बुद्धिस्ट के ग्रंथ ही दिखा के उसमें से दिखाया, बुद्धिस्ट के ग्रंथों में लिखा हुआ ही। देखिए, 1000 साल तक जो बुद्धिस्ट ग्रंथ आप जो बोल रहे हैं वो ब्राह्मणों के हाथ में थे। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट के जो ग्रंथ थे ओरिजिनल, वो अभी भी आज भी पाली भाषा में है, और वो श्रीलंका और इंडोनेशिया में अभी भी प्रिजर्व्ड है। लेकिन जो कुछ हमारे यहाँ पे बुद्ध के स्क्रिप्चर मिलते हैं उसमें बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन वो ओरिजिनल है पाली भाषा में, तो उसमें तो आपको कैसे साबित करोगे कि गलत है? वो तो गलत है ही नहीं, उसमें वेदास का भी जिक्र आता है। देखिए, भले वो उन्होंने लिखे, वो किताब में जो भी कुछ लिखा है, मैं वो मानता ही नहीं उनकी बात, नहीं मानता मैं। क्यों नहीं मानते, ये तो पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि वो एविडेंस के हिसाब से सही नहीं। यार उन्होंने एविडेंस दिया ना कि उनका जन्म ही वहीं हुआ था। नहीं नहीं, अब एक बात बताइए आप, लोग बोलते हैं कि बुद्धा का जन्म जो है, वो पैदा हो रहे थे तो उनके माँ के पेट में हाथी घुस गया था। अब क्या घुस गया था? हाथी हाथी घुस गया था। अब ये क्या बात लॉजिकल है? क्या लॉजिकल है? देखिए, स्क्रिप्चर में लिखा ऐसा। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, बुद्धा रहे, महावीर या कृष्ण, 30 सेकंड्स लेफ्ट, सर स्टॉप, मेरा ये कहना है सर, 30 सेकंड बस यार। हाँ, जो बुद्धा रहे, महावीर या कृष्ण रहे, जो बात इलॉजिकल है उसको किसी को मत मानो,
ठीक है, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं ना, उन्होंने एविडेंस दिए हैं हिस्ट्री की, बुद्ध की जो हिस्ट्री रिकॉर्ड है उनके सोर्स में, तो मानते नहीं उनको की ये बात, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता भाई, पूरी बुक लिखी है उन्होंने बुद्धिस्ट के पूरे स्क्रिप्चर में वेद का जिक्र आया आप ठीक है, पूरी बुक लिखे या पूरी लाइब्रेरी लिखे जी, बहुत शुक्रिया, मैं बात को नहीं मानता, बहुत शुक्रिया पिनाक भाई ने, पिनाक भाई ने क्रिस्टल क्लियर रखा बगैर किसी लगी लिपटी के, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता जिस बात को वो कह रहे हैं, मैं नहीं मानता। एक मिनट आप साथ रहिएगा, ठीक है ठीक है, एटर्नल सनातन भाई साथ रहिएगा, हमारे साथ रोनित रॉय हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ मुझे प्यार से याद करके कह रहे हैं, मुझे ले ना जरा ऊपर, ठीक है रोनित रॉय भाई आप स्टेज पे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? हेलो, हाँ रॉय भाई कैसे हैं? ठीक बिल्कुल ठीक सर। हाँ ये सर आपने मुझे कहकर शरीफ बना दिया बैक स्टेज में, तो आप कुछ और कह रहे थे जरा, वो भी तो बोली है ना, इसीलिए तो आपको पहले लिया है। और मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ सर, इंटरफेथ हार्मनी की बात करना। अच्छा तो पीछे तो आप मुझे माँ बहन की गालियां निकाल रहे हैं, उनका क्या करूं फिर? नहीं नहीं मैंने क्या आमिर साहब साहब बोले। ठीक है चलें फिर, अगर आप साहब कह रहे हैं तो फिर वेट कर लें। हमारे साथ ओम साहब भी मौजूद हैं, ओम भाई आप मौजूद हैं? हेलो ओम, ओम साहब तो निकल लिए हैं, सो रहे हैं वो, ठीक है। तो इटरनल सनातन भाई आपको जो मौका मिला था अंबेडकर साहब की बात पर जो आप रखना चाह रहे थे पिनाक भाई से, वो मैंने दे दिया है, तो उन्होंने क्रिस्टल क्लियर जो कह दिया है, अब आप कोशिश करेंगे मुझे सनातन धर्म पे कन्विंस करने के लिए जो हमारा टॉपिक है उस पर जरा प्लीज? ठीक है ट्राई कर लेते। जी जी ट्राई जरूर करें जी। ठीक है तो अगर आपको सनातन बनना है, सनातनी बनना है, तो आप डिफरेंट मतलब वर्शिप के मेथड से एक ही डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। नहीं ये अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अच्छा तो दोनों में से यानी आप ये कह रहे हैं कि डिफरेंट जो डेस्टिनेशंस हैं, डिफरेंट जो प्रोसीजर या वेज ऑफ वर्शिप हैं, प्रार्थना उपासना, उनके जरिए से मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसे ही है? ठीक है मेरे साथ आपने रहना है, ठीक है ना। तो ये जरा देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी सनातन है, सत्यारत प्रकाश का नवम समूलास है और पन्ना है 192 192। इनसे पूछा गया कि मुक्ति ये मोक्ष किसको प्राप्त होगा, वो कहते हैं कि जो अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म करता है या पाषण मूर्ति आदि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंद होता है उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, ये पीछे लिखा हुआ है। और नीचे पूछा गया प्रश्न, आखिरी प्रश्न देखें, वो कहते हैं मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती, तो कहा जो बद्ध है। क्या मतलब? जो अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म करता है, पाषण मूर्ति आदि की उपासना करता है और मिथ्या ज्ञान से वो अपनी जो है वो मुक्ति को या मोक्ष को बंद कर लेता है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप मुझे कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा से मोक्ष मिल सकता है कि डिफरेंट प्रोसीजर से, ये कह रहे तो हैं मिल सकता है ना? जी जी तो सनातन है ना जी, पर मैं तो आर्य समाज हूं नहीं। तो आप सनातनी तो है ना? वो भी सनातनी है, वो उनकी अलग वो हो सकती है विचारधारा। हाँ तो मगर आप कह रहे हैं कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स या मल्टीपल वेज के जरिए मोक्ष मिल सकता है, वो कह रहे हैं जो जो आप मुझे मोक्ष का तरीका, वो जो आप बता रहे हैं मुझे मोक्ष का तरीका, वो कह रहे हैं उससे नहीं मिलता। मैं क्या करूँ, गीता से बता रहा हूँ, गीता में लिखा था, वो वेद से बता रहे हैं, गीता में लिखा है, मैं गीता मानता हूँ, बता रहा हूँ। नहीं वो ठीक है आप मानते हैं गीता से, वो कह रहे हैं कि वेद से निषिद्ध है मूर्ति पूजा, एक वे जो है उपासना या प्रार्थना का मूर्ति पूजा ना। मुझे तो वेद में कोई मंत्र ऐसा मिला नहीं जो निषिद्ध या वो कर, मुझे तो लगता है कि वेद बोलता नहीं कुछ इस बारे में। नहीं वो आप कह रहे हैं नहीं बोलता है, वो आप कह रहे हैं उनके नजदीक बोलता है, वो यजुर्वेद का उन्होंने ढेर लगाया हुआ है, उपनिषद का ढेर लगाया हुआ है उन्होंने, वो उनकी फिलॉसफी है। नहीं मैंने तो अपनी बताई ना, मेरे हिसाब से आपको बनना है, आपने अपने हिसाब से बताई, अब मैं सनातन धर्म आपके अनुसार स्वीकार कर लेता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताते हैं मोक्ष मिल जाएगा, मैं 30 साल तक तपस्या करता हूँ, मूर्ति पूजा, मंदिर में सफाई करता हूँ, दान देता हूँ, ठीक है, पंडित जो है ना बन जाता हूँ, टल्ली बजाता हूँ, ठीक है, इसी तरह त्योहार आते हैं उनको मनाता हूँ,
ओम नमः शिवाय करता हूँ, सारी चीजें पूरी करता हूँ, एंड में मुझे मिलता है कार्य समाजी, मैं 60 साल का हो जाता हूँ।